एंड आपको SP 160। सो फ्रेंड, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिल पाए, या कॉल को ऑन करते हो तो इसकी लाइट आपको ऑन हो जाती है, बट आपको यही चीज़ आपको SP 160 में नहीं दिखती है। तो आप भी आपको कि यहाँ लगाने का एंड मीटर देख सकते हो आप, फुल डिजिटल है। एंड हॉर्नेट 2.0 की बात करूँ तो वो टंकी के पास लग। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अमित प्रधान एंड वेलकम टू प्रधान ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज है संडे एंड आपको पता है कि संडे के दिन में भी मैं ऐसे शोरूम पहुँचता ही पहुँचता हूँ। तो आज चल रहा था इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, तो उसको हम लोग देख रहे थे। तो हम सोचे कि क्यों ना, ऐसे ही कोई कस्टमर है नहीं तो सोचे क्यों ना आज आपको एक गाड़ी का डेमोनेशन देता हूँ। एक नहीं, दो गाड़ी है ऐसे। अगर आप होंडा की 160 सेगमेंट में अगर दो गाड़ी को, अगर हॉर्नेट 2.0 एंड अगर आप 160 SP को अगर आप देख रहे हो एंड कन्फ्यूज है कि कौन सी गाड़ी लेना है, तो चलो मैं आज कोशिश करूंगा आपको कि आपको उस गाड़ी के बारे में बता पाऊँ एंड क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझा पाऊँ, कौन कौन से उसके कलर आते हैं, कितने ऑन रोड प्राइस पड़ती है, तो वो सब सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। तो चलो वेट एंड वॉच एंड जोहार झारखंड, बस यही बोलेंगे। एंड चलो चलते गाड़ी को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, चलो। सो फ्रेंड, फाइनली हमारे सामने लगी हुई है होंडा की हाई सेगमेंट की आपको 2.0 हॉर्नेट एंड आपको SP 160। सो फ्रेंड, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिल पाए या कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, या कोई चीज़ की डाउट हो तो उस चीज़ को ज़रूर बताना। तो चलो पहले बात करते हैं हम लोग इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस की। तो आपको हॉर्नेट का एक शोरूम प्राइस आपको पड़ता है 1,39,000, बट अगर बात करूँ SP 160 की तो वो आपको पड़ेगी 1,22,900 रुपये एक शोरूम प्राइस, मतलब 16,000 रुपये का लगभग आपको डिफरेंस इन दो गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। एंड बात करो इसकी फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक में आपको सामने का आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हेजर्ड का स्विच मिलता है, जो कि आपको 160 में भी हेजर्ड का स्विच मिल रहा है। एंड सामने में आपको मिलेगा LED फुल्ली लाइट, बट आपको LED फुल्ली लाइट आपको 160 के भी सेगमेंट में मिलता है SP में, बट इसमें एक फ़र्क है कि जब आप अपनी की को ऑन करते हो तो इसकी लाइट आपको ऑन हो जाती है, बट आपको यही चीज़ आपको SP 160 में नहीं दिखती है। तो आप बताइएगा कि आपको बेटर कौन सी लगती है, कि आपको ऑन हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो चलो बात करते हैं अब इसके फ्रंट के सस्पेंशन की। तो फ्रंट का सस्पेंशन इनका आता है हॉर्नेट का, आपको आएगा अप साइड डाउन फोर्क आपको USD में आएगा, जो कि SP 160 की बात की जाए तो यहाँ आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। एंड सामने की अगर मैं बात करूँ इसके टायर की, तो टायर आपको दोनों में ही ट्यूबलेस टायर आएगा, बट आपको टायर का साइज़ आपको हॉर्नेट में आएगा फ्रंट का 110/70/17 mm का आपको आएगा, बट वहीं पे आप बात करो इसकी SP की तो ये आपको आएगा 80/100 का 70 mm का आपको फ्रंट का टायर आएगा। तो अगर फ्रंट की टायर की बात की जाए तो हॉर्नेट थोड़ा सा इससे ज़्यादा आपको दिखता है। एंड फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा सिंगल चैनल में ABS आपको मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 276 mm का आपको इसका डिस्प्ले आएगा, एंड सेम आपको आएगा 160 में भी 276 mm का सिंगल चैनल ABS आएगा। तो फ्रंट की डिस्क की बात की जाए तो कोई आपको डिफरेंसेस नहीं है। लुक वाइज में आप जा सकते हो, लुक वाइज में आप देख सकते हो कि ये आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड होके ये आपको थोड़ा शार्प, थोड़ा डिजाइनिंग एंड स्पोर्टी लुक देता है, बट वहीं पर SP आपको अगर 125 से भी कंपेयर की जाए तो इसका लुक लगभग सेम ही रखा गया है। चलो फ्रेंड, इसकी साइड की लुक की बात की जाए तो साइड से आप देख सकते हो कि आपको साइड में आपको मिलेगा हॉर्नेट में ये आपको 3D का एम्बलम मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे हॉर्नेट लिखा हुआ मिलेगा, जो कि बहुत ही शार्प डिज़ाइन में बनाया गया है। एंड स्पोर्टी लुक में तो ये बोल सकते हो कि इसे मारता है, बट अगर आप इस SP को 160 को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 3D का एम्बलम मिलेगा, बट आपको SP 160 का लिखा हुआ है, यहाँ पे SP लिखा हुआ है एंड बैक में आपको 160 का लोगो मिलता है। तो सिंपल बोल सकते हो कि आपको थोड़ा सा स्पोर्टी के मामले में आपको हॉर्नेट दिख सकता है। तो बात की जाए हॉर्नेट 2.0 की इंजन की, तो ये आपका इंजन आपको आएगा 184.40 cc का इंजन आपको देता है, बट अगर आप बात करते हो SP 160 की तो वो आपको देता है 162.71 cc का इंजन देता है। तो इंजन के मामले में बोल सकते हैं पावरफुल थोड़ा हॉर्नेट है, एंड इसके काउल को लगभग सेम ही बनाया गया है जो कि आप इंजन के पास देख रहे हो, बट एक चीज़ डिफरेंस है कि आपको इसका मेटल का आएगा बट ये आपको फाइबर का काउल आएगा। तो ये थोड़ा सा आप चेंजेस देख सकते हो। एंड एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको इस गाड़ी में हॉर्नेट 2.0 में आपको मिलता है सिर्फ किक कनन, बट SP अगर 160 की कंपेयर की जाए तो इसमें आपको सेल्फ एंड किक दोनों मिलते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। एंड अगर बात की जाए इसकी मफलर की, तो मफलर को देख सकते हैं कि इसका छोटा सा स्पोर्टी लुक में बनाया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ SP 160 की, तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग रखा गया है मफलर को, एंड ऊपर में आपको मेटल का कवर दिया गया है।
एंड दोनों गाड़ियों की अगर मैं बैक की टायर की कंपेयर करूँ तो आपको 160 का आपको आता है, 130/17 आपको 17 mm का आपको ये टायर आएगा। एंड डिस्क ब्रेक की बात की जाए बैक में तो 220 का है, बट अगर बात की जाए यहाँ पे अगर आप हॉर्नेट 2.0 की तो इसका आपको 140/17 mm का आपको बैक का टायर आएगा। एंड आप अगर बात करते हो डिस्क प्लेट की तो वो आपको 220 mm का। तो डिस्क प्लेट में फ्रंट एंड बैक में कोई आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, हाँ बट टायर के साइज़ में आप डिफरेंसेस देख सकते हो। एंड तो बैक का लुक आप देख सकते हो, एक्स टेल हेडलैम्प है ये देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त लगता है मस्कुलर। एंड बात की जाए यहाँ पे अगर होंडा की आप 160 की तो इसको आपको एच डिज़ाइन में किया गया जो कि होंडा का लोगो है। एंड आप देख सकते हो कि हेजर्ड का लाइट दोनों में ही मिल रहा है। एंड दोनों गाड़ियों की अगर आप बैक की सस्पेंशन की बात की जाए तो दोनों आपको मोनो सॉक सस्पेंशन ही आएगा आपको बैक का, तो दोनों में शॉकर में कोई आपको डिफरेंसेस नहीं नज़र आएंगे। एंड व्हील बेस की बात की जाए तो फ्रंट से अगर बैक का व्हील बेस देखा जाए हॉर्नेट में तो 1355 mm का आता है, बट वहीं पे आपको SP160 का अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो 1347 mm का है। तो लगभग फीचर वाइज में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इसमें डिफरेंसेज नहीं है। तो बात करूं मैं इसके सीट लेंथ की तो दोनों को देख सकते हो कि एक बार मैं सीट दिखा दूं तो ये सिंगल सीटेड आता है आपको SP160, बट ये आपको टू स्प्लिट आपको सीट आएगा इसका। बट अगर सीट लेंथ की बात की जाए तो बोल सकते हैं कि आपको हॉर्नेट 2.590 mm का आपको आता है, बट SP आपको 594 mm का, तो आप इसमें ज़्यादा फर्क नहीं देख सकते हो। एंड अगर बात करो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों का सेम ही है, 12 लीटर का इसका भी आएगा एंड 12 लीटर का इसका भी आएगा। एंड चलो बात करता हूँ इसकी गियर की, तो गियर का पोजीशन अगर मैं देखूँ तो हॉर्नेट 2.0 में भी 5 गियर का आता है एंड इसमें भी आपको 5 ही गियर का ऑप्शन आता है। चलो बात करूँ मैं इन दोनों गाड़ियों की वेट की, तो वेट बोल सकते हो कि आपको आपको हॉर्नेट 2.0 का आपको 142 kg का आएगा एंड आपको SP160 141 kg का आएगा। ऐसे SP160 में आपको दो वेरिएंट आते हैं, सिंगल डिस्क एंड डबल डिस्क दोनों ऑप्शन है, बट वो चीज़ आपको हॉर्नेट 2.0 में नहीं है। बट हमारे सामने हॉर्नेट की 160 ड्यूअल चैनल ही लगी हुई थी इसीलिए मैंने उससे कंपेयर किया। सो वेट के मामले में भी आपको हॉर्नेट थोड़ा सा भारी जरूर लगता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, हॉर्नेट आपको 142 kg है एंड आपको SP141 kg का आएगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है हॉर्नेट में 167 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आएगा एंड उससे थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हो कि आपको SP का आता है 177 mm का आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो दिखाऊं अगर मैं इसके मीटर की तो मीटर आपको SP एंड हॉर्नेट दोनों का डिजिटल मीटर ही आता है। सो इसका आपको चाबी आपको की यहाँ लगाने का एंड मीटर देख सकते हो आप फुल डिजिटल है। एंड हॉर्नेट 2.0 की बात करूँ तो वो टंकी के पास लगती है एंड इसका की को ऑन करते हो तो देखो इसका भी मीटर डिजिटल है। एंड डिजिटल मीटर में कुछ कुछ चीज़ आपको मिलेगी जैसे कि आपको न्यूट्रल का यहाँ पे सिग्नल दिखाएगा, आपको ये अभी हैजर्ड का स्विच ऑन है इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल है वो दिखाएगा कितनी गियर में गाड़ी को चला रहे हैं, RPM है, फिर आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर है कि कितनी गाड़ी स्पीड में चल रही है, घड़ी का टाइम है। एंड यहाँ से आप ऑपरेट करने के लिए दो बटन दिए गए, ऐसे ऊपर के बटन को अगर आप टिपते हो तो टोटल आपने कितना गाड़ी चला है एंड कितनी ट्रिप हुई है ये भी आपको वो दिखाएगा एंड उसको आप ज़ीरो भी कर सकते हो। एंड इससे नीचे में अगर आप करते हो तो यहाँ से आपको इसका एवरेज दिखाएगा, बैटरी का दिखा रहा है आपको, फिर यहाँ से आपका दिखाएगा कि कितने किलोमीटर ये एवरेज अभी दे रहा है गाड़ी। तो ये सब चीज़ फंक्शन आपको इसके डिजिटल मीटर में मिलेंगे। एंड अगर उसी चीज़ को मैं हॉर्नेट 2.0 की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको RPM का स्पीड है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे घड़ी का टाइम है, यहाँ पे गियर पोजीशन है, यहाँ पे फ्यूल का दिया गया है एंड यहाँ पे ABS का सिग्नल है एंड न्यूट्रल का आपको यहाँ पे दिया गया है, इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइड इंजन कट ऑफ है। सो सारी चीज़ की फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं इस गाड़ी पे। एंड दोनों में डिजिटल मीटर आता है ये आपको तय है। एंड चलो बात करूँ अगर इस गाड़ी के कलर की तो कलर वेरिएंट में इसके 4 कलर आपको देता है हॉर्नेट 2.0। एंड SP की बात करूँ तो SP आपको देता है कलर में 6 ऑप्शन। तो चलो कलर की अगर मैं बात करूँ SP160 की तो SP160 का कलर आपको 6 आता है, जो कि एक ब्लैक है, रेड है, फिर मैट ग्रे में आता है एंड लाइट ग्रे में आएगा, आपको एक ब्लू में आएगा लाइट ब्लू एंड एक आएगा मैट ब्लू में, तो 6 कलर का ऑप्शन है। ऐसे हमारे सामने दो बगल में ही खड़ी थी इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ एंड बाकी के कलर को आप बताना कि कौन सी कलर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अगर हॉर्नेट की बात की जाए तो ये आपको 4 कलर का ऑप्शन देता है, रेड का आपको ऑप्शन देता है, ब्लू देता है, ग्रे देता है एंड ब्लैक देता है। तो कलर के मामले में बोल सकते हैं कि SP160 आपको 2 कलर बोल सकते हो माइनर थोड़ी सी बढ़ के, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। एंड बस यही था आज का हॉर्नेट 2.0 एंड SP160। चलो दोस्तों बाकी के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे।
फ्रेंड फाइनली यही था हमारा हॉर्नेट 2.0 एंड एसपी 160 का जो मैंने कंपैरिजन किया। ऐसे हमारे पास 160 की सिंगल एंड बोल सकते हो 160 आपको सिंगल डिस्क एंड डबल डिस्क दोनों आती है, बट हमारे सामने में डबल डिस्क थी इसीलिए उसे मैंने कंपेयर कर दिया। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ डिस्क का ही फ़र्क आता है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो से आपको जितनी भी हो सके कोशिश की है कि आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल सके, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड भाई को हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बस यही कहेंगे कि चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड जोहार झारखंड।